अभी अभी लोकसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर। लोकसभा चुनाव 2019 के परिणाम आने से पहले ही भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा झटका लगा है, जिससे भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दरअसल भाजपा को यह झटका पार्टी के सहयोगी दल ने दिया है। लोकसभा चुनाव के नतीजों से पहले सहयोगी दल ने झटका देते हुए अपना समर्थन वापस ले लिया है। दरअसल आपको बता दें कि मणिपुर में बीजेपी के साथ सरकार में शामिल नागा पीपुल फ्रंट यानी एनपीएफ ने बीजेपी से अपना समर्थन वापस ले लिया है। एनपीएफ ने समर्थन वापिस लेने की घोषणा करते हुए पार्टी के प्रवक्ता अचुम बेमो किंगो ने कहा कि कोहिमा में एनपीएफ के मुख्यालय में लंबी बैठक के बाद पार्टी ने समर्थन वापिस लेने का फैसला लिया है। वहीं एनपीएफ के मणिपुर प्रदेश इकाई के अध्यक्ष न्यूमई ने कहा कि भाजपा ने गठबंधन के लिए हुए समझौते की कुछ शर्तों को पूरा नहीं किया है, जिसके चलते मजबूर होकर उनकी पार्टी को समर्थन वापिस लेने का फैसला करना पड़ा है। उनका कहना है कि हमें समर्थन वापिस लेने के लिए मजबूर होना पड़ा, क्योंकि बड़ी पार्टियां छोटे दलों को तुच्छ समझती थी। उनका कहना है कि हमने 2 साल तक सब्र किया, लेकिन भाजपा ने 2017 में गठबंधन सरकार बनाने के बाद गठबंधन की भावना का कभी सम्मान नहीं किया। उनका आरोप है कि ऐसी घटनाएं हुई हैं जब उनके नेताओं ने हमारे सदस्यों को गठबंधन साझेदार मानने से ही इनकार कर दिया। वहीं भाजपा ने एनपीएफ नेता द्वारा लगाए गए आरोपों को सिरे से खारिज किया है। वहीं न्यूमई का कहना है कि इस समय यह निर्णय भाजपा का हमारे प्रति उदासीन रवैये के कारण है। चुनाव परिणाम के बाद इस निर्णय को लागू करने को अंतिम रूप दिया जाएगा। वहीं मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने कहा है कि लोकसभा चुनाव समाप्त होने के बाद एनपीएफ की मांगों पर पार्टी विचार करेगी। उनका कहना है कि राज्य में सरकार बनाने के दौरान एनपीएफ और भारतीय जनता पार्टी के बीच अच्छी तालमेल थी, लेकिन कुछ अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण एनपीएफ पार्टी के नेताओं की कुछ मांगे अधूरी रह गई है। उनका कहना है कि लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं द्वारा इन्हें लिया जाएगा कि उनके द्वारा मांगे गए मांगों पर क्या निर्णय किया जाए। आपको बता दें कि 2017 विधानसभा चुनाव के बाद मणिपुर में कांग्रेस के 29 विधायक थे, लेकिन उसके 8 विधायक पिछले साल पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, जिससे कांग्रेस पार्टी के विधायकों की संख्या 29 से कम होकर 21 ही रह गई थी। वहीं न्यूमई ने दावा किया है कि एनपीएफ को समर्थन वापस लेने के लिए बाध्य होना पड़ा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने 2017 में गठबंधन सरकार बनाने के दौरान हुए समझौतों में से कुछ का सम्मान नहीं किया। वहीं आपको बता दें कि मणिपुर सरकार में भारतीय जनता पार्टी को 36 विधायकों का समर्थन हासिल था, जबकि एनपीएफ के 4 विधायक बीजेपी सरकार में समर्थन दिए हुए थे, लेकिन इनके समर्थन वापस लेने के बाद भी बीजेपी के पास अन्य 3 दलों के विधायकों के साथ ही 32 विधायकों का समर्थन मौजूद रहेगा, जबकि बहुमत के लिए 31 का आंकड़ा होता है। इस तरह से बीजेपी सरकार को मणिपुर सरकार गिरने का कोई खतरा नहीं है।